अर्जुन, ये तुम्हारे कपड़े, ये सब क्या है? वो एनीवे, ये तुम्हारे पार्टी के कपड़े हैं। ऐसे नहीं, चलो यहाँ। अब बताओ कैसा लग रहा है? It's good. गुड नहीं, तुम इसमें बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो अंजलि। अगर तुम नहीं होती तो क्या होता मेरा? कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा होती अर्जुन के लिए। मैं भी आती हूं। प्रीता पुत्र, राखी माँ। पुत्र, तू तो जानती है पिछले 5 साल से मैं ये रस्म निभाती आई हूँ, आज भी यही रस्म निभाने आई हूँ। कल तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तेरे लिए नया जोड़ा लाई थी, कल यही पहनना। खुश। प्रीता जी, आप ठीक है ना? जी, मैं ठीक हूँ। आप हमेशा मुझसे यही क्यों पूछते रहते है ना? मैं एक्चुअली यही सोच रहा था कि मैं खुद भी पूछते पूछते ना बोर हो गया हूँ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, शादी तो इसीलिए की है ना ताकि आप ठीक रह सके, ताकि आपके चेहरे पे मुस्कान रह सके। बाय द वे, मजाक मजाक में हमारी शादी को 5 साल हो गए, लगता नहीं है ना? ऐसे लगता है बस कल ही हुई है, पर मैंने सारे वादे निभाए हैं। बिल्कुल निभाए। करण की प्रीता का ख्याल रखा है ना मैंने? जी, और करण की काव्या का उससे भी ज्यादा। थैंक यू। थैंक यू कि आपने मुझे खुशनसीबी दी कि मैं अपना नाम उसको दे सकूं। इतनी प्यारी है, आपको पता है जब डैडू मुझे बोलती है ना, उफ, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। मतलब इस दुनिया में जो और कुछ नहीं चाहिए, वो डैडू बोलते हैं, मुझे सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे डैडू आ गया। ये, चलो जल्दी सो जाते, कल पार्टी है ना। किसकी पार्टी है? मम्मा और डैडू की जो शादी हुई थी ना, कल उनकी एनिवर्सरी है, उस एनिवर्सरी की पार्टी है। ओ, मैं एक्चुअली भूल गया था। लेकिन अब ऐसे क्यों बोल रहे हो कि जैसे आपकी मम्मी डैडू पता नहीं कितने दूर चले गए हैं? वो तो यहाँ बैठे हैं ना, मेरी मम्मी, मेरे डैडू, है कि नहीं? ओह माय गॉड डैडू, आप कितने हैंडसम हो ना। अच्छा, तो अब आपको 5 साल के बाद याद आया कि डैडू हैंडसम है? और मम्मी? और मम्मा, आप, आपको पता है डैडू प्रिंस है ना, तो आप प्रिंसेस ऑफ प्रिंसेस। जब आप मुझे एक किसी दोगे ना, तो फिर मैं आपको द मोस्ट ब्यूटीफुल बुलाऊंगी। अच्छा, तो फिर तो मैं आपको किसी करूंगी। बहुत शैतान हो गई ना। आपको क्या लगता है कि आप मेरे किसेस से बच जाओगे? हाँ, इधर उधर होके आप मेरी किसेस स्किप कर दोगे? ऐसे कैसे भाग जाओगे? ऐसे कैसे भाग जाओगे मम्मा से? मम्मा रात को इधर से आके किसी कर देगी। लिपस्टिक, लिपस्टिक,
आपका क्या? अच्छा अभी तो सिर्फ मम्मा की लिपस्टिक लगी, सोचो अब तो पापा को भी लिपस्टिक लगा रहे थे, फिर यहाँ से पापा की भी लिपस्टिक लग जाए। ओ हेलो भैया जी, ये यहाँ नहीं रखना है, इसको पीछे स्टोर में रखिए पहले, और थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, मैनेजर साहब थोड़ा ध्यान दीजिए। हाय रब्बा, महेशी ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? हार्ट अटैक आ जाता मुझे। अरे ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ जाएगा राखी जी? अरे प्यार करने वालों की वजह से कभी हार्ट अटैक नहीं आता, और हम आपको हार्ट अटैक आने कैसे देंगे? ये आज आपको क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कर रहे हैं आप? मोहब्बत कर रहे हैं भाई, हस्बैंड है आपके, पति है, लाइसेंस लिया हुआ है, तो प्यार नहीं कर सकते क्या? महेशी कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? अरे देखता रहो, देखने दो, करते हैं क्या? हाँ आपकी उम्र क्या है? आप अपनी पत्नी से उसकी उम्र पूछ रहे हो? क्या हो गया? अच्छा गलती हो गई, नहीं पूछनी चाहिए थी, पूछ ली, लेकिन फिर भी आप बताइए आपकी उम्र क्या है? नहीं बताती मैं। अच्छा मत बताइए, बड़ी तो है ना? हाँ। मैं भी बड़ा हूँ। हाँ। हमारे बच्चे हो गए, वो भी बड़े। हाँ। उनके भी बच्चे हो गए। हाँ। तो मैं ना आज आपको अपने बड़प्पन की कहानी सुनाता हूँ। थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, पीछे जाते हैं और आपको बताता हूँ कि पहले क्या हुआ था। आप भी जवान थे, मैं भी जवान था, आप भी सिंगल थे, मैं भी सिंगल था, आप भी हसीन थे और मैं भी जवान था, और उस दौरान आप भी नादान थी, ना समझ थी, थोड़ी बेवकूफ थी, और मैं भी थोड़ा नादान, ना समझ और बेवकूफ था। आज भी हो? अरे यार प्लीज राखी जी, मतलब बीच में मत कूदिए यार, फ्लो टूट जाता है। अच्छा फ्लो को रहने दीजिए। तो कहाँ थे मैं? नादान। आप भी नादान थी, ना समझ थी, बेवकूफ थी, मैं भी सेम टू सेम था, और उसी नादानी और बेवकूफी के अंदर हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, और बेवकूफियां करते 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 पता हमने क्या बनाया? क्या? ये देखिए, ये बनाया राखी जी हमारा घर। राखी जी इस घर की नींव में हमारे सपने हैं, हमारा प्यार, हमारी खुशियां, हमारा अपनापन, हम सबका साथ, कुछ कर दिखाने का इरादा, कुछ कर दिखाने का एक दूसरे से वादा, हमारे बच्चों का प्यार, उनकी जवानी, उनका बचपन, ये सब कुछ, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बच्चे, ये सब कुछ आपने और मैंने बनाया राखी जी, दोनों ने मिलकर इन खुशियों को संजोया है, ये सब को हमने बनाया। इस घर के बनाने के पीछे हमारे बच्चों का भी भाग्य है। आपको पता है मैं हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे बच्चे दिए। अच्छा तो मेरा शुक्रिया कौन अदा करेगा? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतने अच्छे बच्चे जो दिया आपने। ये शुक्रिया अदा करती हूँ, बड़े प्यार से जाता है मेरे को। आप दोनों का ये लैला मजनू वाला रोमांस खत्म हो गया हो तो हम थोड़ा सा काम कर लें भाई। नहीं हुआ खत्म, बिल्कुल नहीं हुआ भाई, शादीशुदा लोग हैं, हम तो प्यार करेंगे, जो करते मैंने कर लो आपसे। क्या मम्मा? मुझे कुछ काम है। करना काम तो उसमें क्या? तू जा। अरे यार ये मैं नहीं बात करती आपसे। क्यों छेड़ते रहते हो आप बार बार भाभी को? छेड़ेंगे भाई, मर्जी हमारी, हमको अच्छा लगता है छेड़ना, हम तो बचपन से छेड़ते चले आए। उम्र में मुझसे बड़े हो हाँ। लेकिन अब तक आपका बचपना नहीं गया भाई। भाई हमारा तो नहीं गया, आपका गया हो तो आप अपने पास रखिए, आप हो गए होंगे बूढ़ी, हम नहीं हुए, हम तो आज भी बच्चे हैं। कुछ नहीं कर रहा, बचपने से याद आया, काव्या कहाँ है? काव्या, काव्या बेटा। भाई भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग काव्या। देखो मैंने चाय बनाई सबके लिए। क्या हो रहा है? टाइम क्यों हो रहा है? इतने बज गए, किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे आज एनिवर्सरी है, नीचे सब काम कर रहे होंगे और मैं यहाँ सो रही हूँ। मैं जाती हूँ। मम्मा। हाँ? मत जाओ, यहाँ पर ही बैठे रहो। अरे पिता जी वो हमारी एनिवर्सरी है ना आज, इसलिए इसने सारी अलार्म क्लॉक्स बंद कर दी होंगी और इसलिए अलार्म बजा नहीं और आप उठ नहीं पाए, बट नथिंग टू वरी, सब लोग नीचे अपना अपना काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल लेट नहीं हुई।
काव्या, क्योंकि आपने ऐसा ही? हाँ कर लिया, क्योंकि मैं भी तो अपने बर्थडे में भी लेट तक सोती हूँ और स्कूल भी नहीं जाती। अच्छा ठीक है, आज तो आपने सारे अलार्म्स बंद कर दिए, लेकिन प्लीज आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि पता है मम्मा को सुबह सुबह बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं, सब रह जाएंगे ना। ठीक है, आगे से मत करना। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। मम्मा। हाँ। क्या? डैडू, आप तो मेरे से भी ज्यादा शैतान हो गए, अभी तक मम्मा को एनिवर्सरी भी विश नहीं किया। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। वैसे भी मजाक मजाक में हम लोग भूल ही गए कि आज हमारी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी प्रीता जी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। ऐसे करते हैं? फिर कैसे करते हैं? किसी दे के हग करके ऐसे देते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे नहीं, उनको करना है। वो क्या है कि मैं थोड़ा शाय हूँ ना, इसलिए नहीं कर पाऊंगा। ओफो, इसलिए तो आपके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपको पता है ना, करण चाचू के पास इतने सारे गर्लफ्रेंड हैं। करण चाचू की तो बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स थे, पता है क्यों? क्योंकि करण चाचू हैंडसम थे, स्मार्ट थे, बहुत बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बहुत चार्मिंग थे, इसलिए उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। और पापा तो रोज सुबह ऑफिस जाते हैं ना, सुबह सुबह उठ जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, इसलिए पापा बोरिंग, इसलिए पापा को कोई प्यार नहीं करता। मैं तो करती हूँ आपसे प्यार। आप मुझसे प्यार करते? बहुत ज्यादा। बहुत सारा। हमेशा करते रहोगे? हमेशा। अरे जल्दी करो ना, इतना टाइम नहीं है बेटा। और ये क्या है, ये पांचों बल्ब बंद पड़े हैं। ऐसे नहीं होता ना यार, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास। सॉरी, मुझे उठने में देर हो गई। कोई बात नहीं पुत्र, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। पापा से मिल ले। पापा। अरे यार दिया, बहुत बहुत बधाई आपका का। लो भाई, मैं भी आ गई मिठाई की दुकान लेके। दादी जी नमस्ते। जीता रहे बेटा। मेरे पैर कौन छुएगा? God bless you. हमेशा खुश रहो। मेरा बेटा ऋषभ तुम्हारे साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अरे भाई हमसे भी मिल लो, हम भी दूर से आए हैं, आशीर्वाद लो। दादी थप्पड़ खाएगी तू? लड़कियाँ पाँव नहीं छूती हैं, गले लगती हैं, आशीर्वाद लेती हैं। ऋषभ से तो सुबह ही फोन पे बात हो गई थी, मुबारकबाद दे दिया। कहाँ है वो? काव्या के साथ है। पीजी कोई बात नहीं, आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना, हम जरा पार्टी की डेकोरेशन कर रहे हैं। आइए आइए। हाँ, अरे मैं तो बैठूंगी, ये रखो मिठाई। दादू तो बैठेंगी मेरे कमरे में, क्यों दादू? वैसे दी आप यहाँ पर आए गए हो तो सारा काम आप ही संभाल लेना, क्योंकि मैं तो दादू के साथ गप्पे मारने वाली हूँ आज, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। दादू तू तो गप्पे मारेगी, हरफरी जो ठहरी मेरी। दादू आराम से। हाँ हाँ आराम से ही चल रही हूँ। और तू ये तो बता, सैमी है कहाँ? वाह 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 दादू, सैमी सैमी बड़ा कर रहे हो। बैठो एक मिनट, मुझे आपसे एक शिकायत है। जब से मेरी शादी हुई है ना, आप बड़ा सैमी 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 करने लगे हो, क्यों? इसलिए कि जो लड़की होती है ना, वो माँ बाप के दिल के बहुत करीब होती है, बहुत उनको प्यारी होती है। फिर आता है दामाद, दामाद उनकी लड़की को प्यार करता है, इसलिए माँ बाप दामाद को प्यार करते हैं।
आई बात समझ में? अच्छा, सब समझ रही हूँ मैं दादू। ये जो दामाद को प्यार करने की वजह है, इन शॉर्ट सैमी को प्यार करने की जो वजह है और जिस स्टाइल से आपने ये बात रखी है, मेरे दिल में उतर गई। वेरी गुड। लेकिन ये वजह मुझ पे काम नहीं करने वाली। आपको मुझसे ज्यादा प्यार करना होगा, उस सैमी को नहीं। एक तो मैं प्यार की भूखी हूँ, बेचारी बच्ची मुझे प्यार नहीं कर रहा, अपने दामाद को प्यार कर रहा। मेरी जान, लव यू। अच्छा एक बात पूछूं, मुझे एक बात बताओ, ये लड़के इतने धोखेबाज क्यों होते हैं? धोखेबाज क्या मतलब? मेरा मतलब है कि ये लड़के इतना धोखा क्यों देते हैं लड़कियों को? सब लड़के धोखेबाज नहीं होते। अरे यार दादू, सिंपल सा सवाल पूछा है, उसका जवाब दो ना, कि ये लड़के इतना धोखा क्यों देते हैं लड़कियों को? वही तो कह रही हूँ, सब लड़के धोखा नहीं देते, और जो धोखा देते हैं वो प्यार नहीं करते, और जो प्यार करते हैं वो धोखा नहीं देते। समझ में आई बात? अच्छा, अगर कहीं ऐसा हो कि शादी के बाद लड़का एक लड़की को धोखा देने लगे तो, जब शादी होती है तब प्यार होता है, तब सब कुछ सही होता है, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद वो लड़का उस लड़की को धोखा देने लगता है। तू कमाल है सृष्टि, हर बात में समीर को ले आती है। यार मैंने सैमी पे थोड़ा शक क्या कर लिया आपने, तो मुझे चपेट मार दी दादू। ए, तू सच में सृष्टि को धोखा दे रहे? दादू आप क्या सोच रहे हो, मैं इसको धोखा दूंगा? आपको लगता है कि मैं धोखा दूंगा? ये तो इसकी आदत है, हर बात पे शक करती है, हर बात पे शक करती है, मैं क्यों धोखा दूंगा? नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। देख, भले मुझे सृष्टि इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन है तो इस घर की बहू ना, और बहू और बेटी के साथ कुछ भी गलत हो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल सॉरी बोल दादू, मैंने कुछ सॉरी बोल। बीजी, आपको तो पता ना कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, बहुत शरीफ लड़का हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसी शक कर रही है मुझ पे। हाँ हाँ, तू बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। थैंक यू। अरे बहन जी, आप क्यों इन बच्चों के चक्कर में पड़ रही, ये खामा खा में लड़वा रहे? अरे बहन जी, आपको पता नहीं समीर कैसा है। अरे समीर बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। बन दादी, मैं आपको कोई भी झूठ सुनने नहीं दूंगी। हाँ, तुम्हें सही में लगता कि मेरा अफेयर चल रहा है? कैसे सोच सकती हूँ सृष्टि, मेरा अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो तुम्हारा अफेयर नहीं चल रहा? नहीं। चिल्लाओ मत मुझ पे। यार अब तुम लड़ाई का मुद्दा ही चेंज कर दोगे कि मैं तुम पे चिल्ला रहा हूँ। प्लीज, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मेरा कोई अफेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लीज। देखा दादू, देखा माने दादी, ये कैसे मुझ पे चिल्लाता है, कैसे मुझसे बात करता है, ये हमेशा मुझे ताने मारते रहता है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा कोई अफेयर नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इस बार में बाद में बात करते हैं, ना ही करे तो बहुत अच्छा है। जी का जंजाल। इतना एटीट्यूड दिखा के किसको जा रहे हो? देखा वानी दादी, कैसे मुझे एटीट्यूड दिखाता है। ठीक है, मैं ऋषभ से बात करूंगी। अरे नहीं बहन जी, ऋषभ को मत कहना। अरे आप बताएंगी मुझे किससे क्या बात करनी है? मैं ऋषभ से बात करूंगी, समीर बदतमीज हो रहा है। ऋषभ जीज के लिए मेरा वाला गिफ्ट सबसे ऊपर रहेगा। हाँ गिरीश भैया, वैसे नीचे मेहमान आना स्टार्ट हो चुके होंगे ना? हाँ, आ चुके। आप ही जाके नीचे रख देना। हाँ, मैं बस यहाँ पे देख रही हूँ। अरे गिरीश, यहाँ पे सब, हेलो, आइए आइए, जल्दी आइए, यहाँ पर आइए। ये सब यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? प्लीज लेके जाइए, मेहमान आ चुके हैं नीचे, ये ठंडे हो जाएंगे। जाइए लेकर, और किसी को बुलाइए आपकी हेल्प करने। अब भैया जी प्लीज आइए, आप भी आके लेके जाइए ना। थैंक यू सो मच। हे भगवान जी, ये काम करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? वैसे तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? भगवान जी प्लीज दी को नीचे जल्दी भेजो ताकि मेरा काम खत्म हो जाए। मैं तो बस ऐसी, आप ये मत समझना कि मैं काम चोर हुआ, बस मुझे ना वो घर के काम करना पसंद नहीं है। मेरा मतलब है काम पसंद ना होने में और काम चोर होने में जमीन आसमान का फर्क होता है दादू। जैसे हमारे घर में ना कृतिका, वो एक नंबर की काम चोर है, कुछ काम ही नहीं करती है घर में। अब जैसे आप मुझे बोलो घर के बाहर का कोई भी काम, मैं ये तुरंत कर दूंगी, लेकिन घर के काम करने में ना पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की दुख तकलीफें हाय तौबा बोझ इस बेचारी नन्ही जान पे आ गए है ना। अरे कृतिका बेटे, हम सब जानते हैं कि सृष्टि कैसी है, ऐसी बड़ बोली है। बिल्कुल दादी, हम जानते हैं, तभी तो इस पन भाभी, तभी तो भाभी को घर पे लेके आए ना, वरना आप खुद सोचिए, इस घर में तो प्रीता भाभी है,
अनफॉर्चुनेटली इनकी बड़ी बहन, अगर वो नहीं होती तो क्या होता? इनफैक्ट आप ये सोचो, अगर ये किसी और के घर में जाती, पक्का वो आदमी आके ना कहता कि मैडम आपका जो सामान है ना हमारे पास गलती से आ गया, प्लीज लेके जाइए। क्यूट हार्ट कृतिका। अरे मन तो करता है केस कृतिका के छोड़ 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 टुकड़े करके। ऐसे नहीं बोलते। अरे दादू मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, ऐसे करने थोड़ी वाली हूँ। अरे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं खड़े रह के, चलिए ना नीचे चलते हैं। हाँ सामान चला गया ना। हाँ चलिए आइए कृतिका। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। थैंक यू करीना बुआ। हाँ यार ये सालगिरह की बहुत बहुत बधाई है पुत्र। हैप्पी एनिवर्सरी पुत्र। थैंक यू मामा। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। ऋषभ बेटा मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी जी। थैंक यू मेरे बच्चे। By the way, आप लोगों ने वैसे मुझे सुबह भी विश कर दिया। स्पेशल डे है ना आपका, जितनी बार दिखेंगे ना उतनी बार विश करेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। मेरी एनिवर्सरी की सारी खुशी इसको चढ़ गई है।